तो बस यहाँ पर देखो, सबसे पहले इस एप्लीकेशन के बारे में देखो, MYNYFI MYNFI करके कुछ एप्लीकेशन का नाम है। इस एप्लीकेशन में बहुत सारे लोगों को मैं बताया था इस एप्लीकेशन में अर्निंग कैसे करना, लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोगों को लाइव पेमेंट प्रूफ इस एप्लीकेशन का बताऊंगा और इस एप्लीकेशन में अर्निंग कैसे कैसे करना। भाई इस एप्लीकेशन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें अमेजन का गिफ्ट कार्ड नहीं दिखता है। अब अमेजन का गिफ्ट कार्ड दिखता ही नहीं है तो लोग रिडीम कैसे करेंगे, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ यहाँ पर से। देखो बहुत सारे मैं यहाँ पर दो को रिडीम किया हूँ, एक यहाँ पर फ्लिपकार्ट का रिडीम किया हूँ, एक अमेजन का रिडीम किया हूँ। अब ये यहाँ पर देखो ये सभी के सभी डिसेबल हो गया, मतलब इससे पहले ही किसी ने क्लाइम कर लिया है तो अब ये क्लाइम करने का ऑप्शन हट चुका है। तो भाई कब आएंगे कैसे आएंगे आज इस वीडियो में आपको बताने वाले थे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम को गवाए हुए आप लोगों को इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ में हमारे एंड्रॉइड ज्ञान के टेलीग्राम पर ज्वाइन किए ऑफिशियल टेलीग्राम पर, तो आप लोग ऑफिशियल टेलीग्राम पर आकर ज्वाइन कर लो। यहां पर मैं एप्लीकेशन का सबसे पहला पेमेंट प्रूफ यहीं पर डालता हूं, 500 रुपये का फ्लिपकार्ट का वाउचर लिया था। देखो यहां पर मेरा जो कोड है ये पिन और वाउचर यहां पर मेरे देखने को मिल जाता है, फ्लिपकार्ट का 500 रुपये का वाउचर मुझे रिसीव हो चुका था और कंपनी खुद ब खुद मुझे मैसेज करके दिखाया हुआ था। और यहां पर भाई देखो यहां पर मैं इसे रिडीम किया था 500 रुपये का क्यूआर कोड को, ये भी मुझे यहां पर दिखाया गया कि मेरा 500 रुपये यहां पर रिडीम हुआ। अभी सबसे पहले मैं अपडेट में टेलीग्राम पर ही डालता हूं और जितने भी तरह के ऑप्शन आते हैं सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर अपडेट करता हूं, आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। अब हमारा जो मेन बात आता है भाई कि इस एप्लीकेशन के अंदर में हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम आता है, जैसे कि मान के चलो सी एंड अर्न वाला एक सेक्शन है जिसमें आप लोगों को ऐड को देखना पड़ता है और ये ऐड वाला देखने के बाद कभी कभी खत्म हो जाता है। मान के चलो लगातार आप ऐड को देख रहे हो तो ये खत्म हो जाता है। भाई अब इसमें आपको बता दो खत्म क्यों होता है, कब ये आएगा। सबसे पहले यहां पर देखो ऐड टू व्यूज कितना, मतलब ऐड देखें, मतलब भाई आपको यहां पर देख सकते हो 5 गो अभी ऐड यहां पर देखने लायक है, मतलब 5 गो 1 2 3 4 5 बस 5 गो भी है। देखो यहां पर लिखा गया है 5 गो अभी ऐड को मैं देख सकता हूं, 5 गो ऐड को देखूंगा। उसके पहले नीचे देखो सब का सब मेरा ऐड यहां पर देखा हुआ है क्योंकि आज मैं दिन भर इसमें से देखा और बहुत सारा अर्निंग किया हूं, ठीक है। और यहां पर अगर मान के चलो ये तो देख लिया, अब मान के चलो इस पर क्लिक करके और यहां पर 3 सेकंड का टाइमर चलेगा, 3 सेकंड तक वेट करना, 3 सेकंड वेट करने के बाद में देखो यहां पर ऐड वाला कंप्लीट हो गया और इस तरह करके आप यहां पर देखोगे तो आपका खत्म होता जाएगा, ठीक है। अब ये खत्म होता जाएगा, देखो मेरे पास अब टोटल 4 बचे हैं, तो भाई खत्म हो रहा है तो भाई इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो भाई आपको एक ट्रिक बताता हूं इसका करना क्या है। यहां पर आपको करंट लोकेशन का ऑप्शन पर क्लिक करना, मैं रांची सेलेक्ट कर दिया था ना, अब यहां पर भाई झारखंड में जाता हूं, झारखंड में चतरा सेलेक्ट कर देता हूं। चतरा सेलेक्ट कर देने के बाद में यहां पर भाई सिमरिया सेलेक्ट करता हूं और यहां पर सेट कर देता हूं। सेट कर देने के बाद भाई ये सेट होगा, मेरे लोकेशन ऊपर में लिखेगा अपडेट हो गया है। अब यहां पर फिर से आपको सीएन ऐड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, अब देखना भाई थोड़ा देर के बाद में इस जगह पर थोड़ा देर के बाद में यहां पर बहुत सारे मेरे ऐड हो जाए ऐड आ जाएंगे, ठीक है। आपको अपना लोकेशन को चेंज करते रहना, मतलब जैसे मान के चलो यहां पर ऐड खत्म हो जाएंगे ना तो आपको तुरंत के तुरंत चेंज मत करना, आपको थोड़ा देर तक वेट करना है क्योंकि जो इसमें ऐड होते हैं वो ऐड ऐड होना पड़ता है इसमें, ठीक है। अब ऐड को तुरंत को तुरंत में थोड़ी ना ऐड आपको आते रहेंगे, इसमें ऐड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो भाई आप लोगों को थोड़ा देर तक वेट करना पड़ेगा ऐड को ऐड होने में, तभी जाकर आपको यहां पर से ऐड मिल पाएगा। यहां पर देखो इस पर क्लिक करोगे तो इसके ऊपर थोड़ा देर तक वेट करना, देखना यहां पर भाई तुरंत के तुरंत ऐड नहीं, कंपनी जितना जितना प्रचार करने का ऑप्शन आता रहता है उसी के अनुसार इसमें ऐड को एसेट करता रहता है, भाई इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये तो भाई समझ में आ गया होगा कि इसमें ऐड शो नहीं होने का कारण यही है कि आप लोगों को तुरंत के तुरंत में देख लेते हो और जो बचा हुआ ऐड रहता है उस ऐड को आप लोग देख नहीं पाते हो क्योंकि भाई वो ऐड अभी तक इसमें इस एप्लीकेशन में एड्स को ऐड नहीं किया, जोड़ा नहीं गया है, तो जोड़ने में कुछ टाइम लगता है तो आपको वेट करना है। कंपनी से डेली का डेली मेरा बात होता रहता है, कंपनी का नंबर उमर सब है मेरे पास क्योंकि कंपनी हमारे पास से डेली के डेली कॉन्टैक्ट भी करती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें एक जैकपॉट वाला ऑप्शन, तो भाई जैकपॉट वाला ऑप्शन में देखो मैं यहाँ पर से 250 कॉइन में 500 रुपये का अमेजन का गिफ्ट कार्ड के लिए ज्वाइन कर दिया हूँ। अब ये जो कल है देखो 1 फरवरी के इंड एट 2 फरवरी, मतलब 2 फरवरी को इंड होगा, इसमें से भी 1 विनर को लिया जाएगा, तो यहाँ पर तो मैं अर्निंग कर लिया हूँ और यहाँ पर मैं जैकपॉट का विनर कौन बनता है देख लेता हूँ, अगर मैं बनूंगा तो अच्छा बात है और कौन बनेगा ये भी आपको पता चल जाएगा। इसमें जो विनर रहेंगे विनर का कॉन्टेस्ट का विनर उनका यहाँ पर नाम दिखाया जाता है कौन इसका विनर बना हुआ। देखो इसमें टोटल इतना आदमी लोग पार्टिसिपेट किए थे, इसका जो विनर है वो बना था सागर विद्या करके जो बना हुआ था, ये सागर विद्या इसका विनर बना हुआ था। और यहाँ पर देखो बहुत सारे यहाँ पर गिफ्ट कार्ड के चलते रहते, ये है अजय रांगना करके कुछ नाम है, ये सभी लोग यहाँ पर से कॉन्टेस्ट के विनर बने हुए हैं, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते होंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि कॉन्टेस्ट के विनर बनते रहते, आप भी अगर इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो जैकपॉट वाला सेक्शन पर क्लिक करना, यहाँ पर आपको इस वाले सेक्शन पर आकर के कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लेना। अभी फिलहाल तो ये बात हो गया, अब बात करें भाई कि रिडीम वाला प्रॉब्लम कब सॉल्व होगा। भैया रिडीम हमें लगाने में दिक्कत हो रहा है तो मैं दिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ। टोटल में कितना रिडीम लगाया था, 2 गो रिडीम लगाया था, एक 500 रुपये का अमेजन का और 500 रुपये का फ्लिपकार्ट का, तो भाई ये तो मुझे सक्सेसफुली रिसीव हो चुका है, ठीक है। और जो अमेजन का लगाया हूँ ये अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है, कम से कम इसका 24 घंटा का टाइम लगता है, तो अभी वेट कर लेता हूँ, जैसे ये मुझे रिसीव होगा भाई मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो ये भी मैं रिडीम किया हूँ। अब यहाँ पर देखो अभी 3 गो ऑप्शन बचे हुए, जोमेटो स्विगी और बुक माई शो वाला ऑप्शन, 3 गो बचे हुए, ठीक है। बाकी जो हमारे 100 रुपये का अमेजन, 50 रुपये का अमेजन, इस सब जो दिख रहा है 50 रुपये का अमेजन का गिफ्ट कार्ड, ये सब कब एक्टिव होगा कब एक्टिवेट होगा, तो भाई इसके लिए आपको मैं एक रूल बता दूं, कंपनी में बहुत पूछा। यहाँ पर देखो भाई मैं कंपनी से बात के ऊपर में देखो कंपनी का ही नंबर है भाई, ये कंपनी का ही नंबर है, ठीक है। यहाँ पर इसमें से बात किया तो बोला जाता है भाई देखो अमेजन का अभी तो ऐड किया था और क्लाइम भी हो गया, मतलब भाई देखो ये कभी भी ऐड कर सकता है एप्लीकेशन में, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ये कभी भी कुछ भी ऐड कर सकता है। इस वजह से मान सकते हो यहां पर आप देख सकते होंगे यहां पर जितने भी Amazon गिफ्ट कार्ड है ये कभी भी किसी भी टाइम ऐड कर सकता है, बस आपको एप्लीकेशन में एक्टिव रहना पड़ेगा। एप्लीकेशन के अंदर अगर आप एक्टिव रहोगे तो आप लोगों को क्लाइम करने में टाइम का वेस्ट नहीं करना, तुरंत के तुरंत में क्लाइम कर लेना, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा क्योंकि भाई यूजर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए इस एप्लीकेशन में और इसमें जो गिफ्ट कार्ड है बहुत ही कम है, तो आपको जल्दी से जल्दी आना पड़ेगा। और कभी कभी रात के 12 बजे भी होता है, मैं आपको टाइमिंग बताता हूं, ठीक है। इसका टाइमिंग है रात के 12 बजे अपडेट होता है, उसका
उसके बाद फिर हर वीक में अपडेट होता है 500 रुपये वाला, और उसके बाद फिर अगर मान के चलो 100 रुपये 50 रुपये वाला भाई, वो एक 12 बजे दिन में होता है, एक 1 बजे होता है, और एक 2 बजे होता है, एक 3 बजे, एक 4 बजे, और एक 4:30 बजे के आसपास में होता है, और 5 बजे के बाद में ये नहीं होता, 5 बजे के बाद कंपनी ऑफ हो जाती है, तो 5 बजे के बाद इसमें गिफ्ट कार्ड अपडेट नहीं होता है। लेकिन हाँ, 12 बजे ऐड होता है, ये बात आप लोग याद रखना, शेड्यूल किया हुआ रहता है 12 बजे के बाद। अगर आप लोग जगते हो तो आप लोग 12 बजे के आसपास में, 12 से 1 बजे के बीच में, या फिर 11 से 1 बजे के बीच में, 11 बजे रात से लेकर के 1 बजे रात तक के बीच में कभी भी अपडेट कर देता है, ठीक है, ताकि यूजर्स उस समय कम रहते, सभी लोग सोए हुए रहते हैं, तो आप लोग उसका फायदा उठा सकते हो। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि आप लोग इसमें से रिडीम लगा दो। देखो मैं 2 को रिडीम लगा, 2 रिडीम और रिडीम दिखा रहा है, और ये रिडीम मुझे मिल चुका भाई, ये कंपनी खुद मुझे भेजा था, मैं व्हाट्सएप पर गया था भाई, यहाँ पर मैं चेक करता हूँ भाई, व्हाट्सएप पर गया था, और ये खुद मुझे यहाँ पर से देखो, यहाँ पर से 500 रुपये गिफ्ट कार्ड भेजा था शुरू के शुरू में, जब मैं यहाँ पर से रिडीम किया था तब। तो आप लोग यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ में देख लियोगे भाई, तो आप लोग यहाँ पर इस तरह करके मतलब सब कुछ समझ, जो भी बात बताना था मैं बता चुका हूँ, एड प्रॉब्लम था एड प्रॉब्लम बता दिया हूँ, और अमेजन गिफ्ट कार्ड नहीं शो कर रहा था वो भी प्रॉब्लम बता चुका, पेमेंट प्रूफ करा बात, तो पेमेंट प्रूफ के लिए आपको पेमेंट प्रूफ भी दे दिया हूँ, तो सब कुछ मैं लगभग बता चुका। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को अर्निंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है इस एप्लीकेशन को, तो मैं एक एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का फुल वीडियो बनाया हुआ था, उस वीडियो को मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग देख करके अर्निंग कैसे कैसे करना सीख लो, ठीक है। चलो इस वीडियो को देखो, तो हमारा एप्लीकेशन है लूट एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन अगर आप लोगों को लेकर चला जाता है, पहले एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, एप्लीकेशन को ओपन कर देने के बाद आपका सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलेगा। अब एप्लीकेशन को जितना बार ओपन करो इस तरह करके आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करने को मिलेगा, अभी थोड़ा सा अपडेट होता है 1 MB 2 MB 3 MB तक का, तो आपको सिंपली से अपडेट होने देना, ठीक है। 3-4 बार अगर आपको मांगेगा 3-4 बार आप इसे अपडेट कर देना, 3-4 बार अपडेट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ इस तरह से करके खुल जाएगा। अब खुल जाने के बाद आपको सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, किस स्टेट से, तो भाई तो मैं झारखंड से हूँ, झारखंड से यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर से मान के चलो ना, कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट मान लेता हूँ भाई, यहाँ पर से हजारीबाग मान लेता हूँ, और हजारीबाग यहाँ पर इस तरह करके गेट स्टार्टेड ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। बस आपको यहाँ पर इस तरह से करके आकर यहाँ पर इंटर कर देना, यहाँ पर आपको साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, साइन अप ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अकाउंट एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इसे जस्ट जब आपको एक साइन अप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको साइन अप ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर को इंटर कर देना, फिर उसे ओटीपी के साथ में वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलो मैं अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी के साथ में इसे वेरीफाई कर लेता हूं पहले, तो फिर पासवर्ड और ओटीपी के साथ में यहाँ पर वेरीफाई कर लिया, और कोई भी एक पासवर्ड आप लोगों को क्रिएट करना है, यहाँ पर कोई भी एक अपना पासवर्ड बनाना है, आपको जो भी पासवर्ड अच्छा लगे पासवर्ड को बनाकर आई एग्री ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर साइन अप ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब इतना करोगे भाई आपको बोलेगा आपका अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुल हो चुका है, और आप जो नंबर डाले थे उस नंबर और जो पासवर्ड डाले थे उस पासवर्ड को डाल करके आप सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन कीजिए। तो चलो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, अब बोला भाई आपको लॉगिन हो गया सक्सेसफुल। अब लॉगिन सक्सेसफुल हो जाने के बाद में सबसे पहले आपको अपना नाम डाल देना है, और आपका नाम यहाँ पर डालना है भाई, जैसे मेरा मान के चलो मेरा नाम पिंटू कुमार है, तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ पिंटू कुमार, लेकिन यहाँ पर पिंटू कुमार ना डाल करके एंड्रॉइड का नाम डाल देता हूँ, और यहाँ पर लास्ट नेम में एंड्रॉइड GYAN ज्ञान डाल देता हूँ, अपना ईमेल आईडी को भी अपने यहाँ पर से अपना एक ईमेल आईडी इंटर कर देता हूँ, और ईमेल आईडी इंटर कर देने के बाद में यहाँ पर आपको रेफर कोड डालने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पर मेन खेल यहाँ पर आता है कि रेफर कोड डाले कैसे भाई, तो रेफर कोड मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप लोग मेरा रेफर कोड को यूज कर लेना, और रेफर कोड यूज करोगे तो आप लोगों को वहां से बोनस मिलेगा। अब बोनस तो मिलेगा तो भाई रेफर कोड इंटर करोगे तभी जाकर के बोनस मिलेगा, तो आप लोग सभी लोगों को रेफर कोड इंटर करना कंपलसरी है। अब यहाँ पर देखो मेरे यहाँ पर से प्रोफाइल डिटेल अपडेट हो चुका है, और यहाँ पर देखो करंट लोकेशन हजारीबाग में डाला था, तो हजारीबाग दिखा रहा है। अब यहाँ पर ऊपर में देखो माय मेंट्स करके कुछ दिखा रहा है, ठीक है, 00 को दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो अर्निंग का सोर्स आ गया, अब अर्निंग कैसे करें इसमें, तो सबसे पहला जो आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर रेफर एंड अर्न वाला, तो रेफर एंड अर्न वाला प्रोग्राम का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लोगों को लिंक मिलेगा, आप लोग इस लिंक पर क्लिक करके अपना लिंक जनरेट कर सकते हो व्हाट्सएप फेसबुक जहीं पर भी शेयर करना है। यहाँ पर मान लीजिए आपको शेयर एंड अर्न वाला एक दोस्त इन्वाइट करोगे 25 मिनट्स पर रेफर का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, तो 25 मिनट्स आपको पर रेफर दिया जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को बहुत सारे मेथड बताएंगे, बहुत सारे रूल बताएंगे, बहुत सारे अर्निंग के ट्रिक्स बताएंगे, तो आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को देखो ना, आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखो मैं जैसे लिंक को निकाला इसमें से, तो भाई लिंक को निकाल देने के बाद यहाँ पर देख सकते होंगे मैंने ऐप्स करके आ रहा है, यहाँ पर ऐप लिंक के साथ साथ में आपका रेफर कोड नहीं दिखा रहा है, आपको यहाँ पर देखो मैं लिंक के में नीचे में आपका रेफर कोड दिखेगा 0AA01670D, इस तरह करके मेरा जो रेफर कोड है ये रेफर कोड। अब यहाँ पर मैं लिंक पर क्लिक करूँगा, लिंक पर मैं क्लिक करके देखता हूँ कि लिंक किस टाइप से ओपन होता है, प्ले स्टोर पर डायरेक्ट करेगा और प्ले स्टोर पर डायरेक्टली आपको एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो कंपनी का एप्लीकेशन है भाई बहुत ज्यादा गजब का एप्लीकेशन है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन मतलब एक तरह से प्रोडक्ट सेलिंग वाला एप्लीकेशन है, बट अगर आप लोग इसमें से रिवॉर्ड अर्निंग करना चाहते हो तो आप लोग रिवॉर्ड अर्निंग कर सकते हो। सबसे पहले अर्निंग करने के लिए करना क्या है, आपको सी एंड अर्न वाला सेक्शन मिलेगा, आपको सी एंड अर्न वाला सेक्शन पर क्लिक कर देना है। सी एंड अर्न वाला सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपका सामने कुछ इस तरह करके घूमेगा, गोल 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 चंदा मामा गोल गोल, और इस तरह का सुने होगा नहीं सुने तो वही वाला इसमें भी कहानी होगा अभी थोड़ा देर तक। अब देखो यहाँ पर आपको व्यू एंड अर्न वाला सेक्शन, यहाँ पर बोल रहा है एड व्यू 120, ठीक है, मेंस टू अर्न 1200, मतलब आपको 120 को एड दिखा रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर आप पूरा एड को देखोगे, यानी कि 120 एड है, इसे अगर आप पूरा का पूरा देखोगे तो आपको मीन्स टू अर्न कितना 1200 अर्न हो जाएगा मीन्स, ठीक है। तो आपको एक एड को देखना के लिए करना क्या है, इस पर क्लिक करना, क्लिक करोगे तो आपको इसमें देखोगे, ठीक है। अब देखने बाद में इसको देखो इंप्रेशन बनेगा। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है कि हुर्रे यू हैव अर्न 10 मिनट्स सीइंग गैजेट्स स्टूडियो। अब यहाँ पर देखो एक तो मैं देखा, इसके बाद में पॉइंट मिलता। अब बोलेगा भैया जी आप उल्लू बना रहे हो, ये पोस्टर देखने के बाद में मुझे पैसा देगा कोई भी, तो मैं आपको बताता हूँ ये किस लिए पैसा देता है, ये एक शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब ये शॉपिंग प्लेटफॉर्म है भाई, तो शॉपिंग प्लेटफॉर्म में आपको मान के चलो हम इस सैमसंग वाले जैसे यहाँ पर देखते हैं ओप्पो वाला कंपनी है, ये ओप्पो वाला कंपनी में हम कितना ऑडियंस दे पा रहे हैं, अपना ओप्पो का ब्रांड को अगर को प्रचार करवाना चाहता है
है तो उसमें हम कितना ऑडियंस दे पा रहे हैं। अगर मान के चलो भाई एक चीज और मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मान के चलो एक मेरे पास रिमोट है, इस रिमोट को अगर मैं ब्रांड कितना इसका प्रमोट कितना दिखा कितना लोगों को रहा हूँ, अगर कंपनी को जैसे कंपनी होता है ना कि बोलेगा कि आपका कंपनी का क्या पावर है, क्या दम है आपका कंपनी में, कोई हमको डिटेल्स दीजिए, तो कंपनी को दिखाएगा देखिए मेरा इस प्रोडक्ट पर इतना आदमी लोगों ने आकर के देखा इस प्रोडक्ट को, इस प्रोडक्ट को लाइक किया, इस प्रोडक्ट पर अपना रिव्यू दिया है। तो इससे ये होता है कि कंपनी के सामने इस एप्लीकेशन का इमेज अच्छा होगा, और इमेज अच्छा होगा भाई तो इमेज अच्छा होने के साथ साथ में कंपनी इसे ब्रांड के तौर पे पैसे देगी, और पैसे देने के बदले में भाई पैसे जैसे देगी तो ये कंपनी वाले एप्लीकेशन वाले को बेनिफिट होगा। जैसे यहां पर देखो मैं ऐड को देखा, फिर से यहां पर 10 पॉइंट यहां पर रिसीव हो चुके हैं, और इस तरह से कर करके भाई ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोग यहां पर से अर्निंग कर सकते हो। जितना आपको ऐड देखना उतना क्लिक करके देखते जाओ। यहां पर मैं देखो कुछ करना नहीं है, बस आपको ऐड को देखना है, देखो 1400 कुछ भेजा आपको क्लिक करना, आपको देखो ऑटोमेटिकली यहां पर से 10 पॉइंट करके अर्निंग हो जा रहा है। ठीक है, अब हर दिन आपको यहाँ पर से अर्निंग करने मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन अर्निंग किए और मतलब दूसरा दिन से अर्निंग करना बंद कर दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लाइफ टाइम का अर्निंग करते हैं, यहाँ पर बोला जाएगा देखो अगर इसमें मान के तो इसके पास देखो 10 पॉइंट करके अर्निंग हो रहा है ना, इसको खत्म हो रहा है फिर एक बार बैक कर देखो, बैक करना। अब यहाँ पर देखो इस पर क्लिक करना, यहाँ पर देखो प्लीज वेट करके लिखा है, 3 सेकंड का टाइमर चलाएगा, देखो प्लीज वेट। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखेगा हुर्रे, यहाँ पर देखो हुर्रे, ओहो ऐसा करके उहू करके लिखता, हुर्रे नहीं लिखता उहू करके लिखता है। ठीक है, फिर इसमें से बाहर आना है, फिर आपको यहाँ पर ऐड भी मिलेगा, मतलब आपको भाई इतना ज्यादा ऐड भी ऊपर में टाइमर चलता रहता है, टाइमर खत्म होने के बाद आपको नीचे यहाँ पर से ओहू करके लिखेगा। ठीक है, आप वो कर देने के बाद यहाँ पर देख सकते होंगे 10-10 पॉइंट करके यहाँ पर मैं अर्निंग कर रहा हूँ। अब भाई इस तरह से करके बहुत सारे अर्निंग के मेथड हैं, ऐसा नहीं कि भाई आपको कुछ भी फोटो देख करके पैसे कमाने, फोटो देखो पैसे कमाओ, बस फोटो देखना है और फोटो देखने के बाद भाई पैसे मिल रहा है तो मुझे तो लगता है जो इसे मिस करेगा महाबुड़बक होगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भाई इतना ज्यादा अच्छा अच्छा लूट दे रहा हूं, और अगर आप लोग अभी मिस करोगे तो भाई बाद में बोलोगे भाई एंड्रॉइड के भाई कुछ अच्छा एप्लीकेशन है जिसमें हमें अमेज़न गिफ्ट कार्ड मिले, बिना मेहनत की हो पैसे मिले, इस तरह करके बाद में बोलोगे भाई मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जो एप्लीकेशन आपको दे चुका हूं यहां पर देख सकते हो कितना सारा ऑप्शन है। अगर मान के चलो किसी कैटेगरी को देखना, मान के चलो फ्रूट वाला देखना, फ्रूट में सेलेक्ट कर सकते हो, फ्रूट वाला आपको, ठीक है, आपको फूल फल देखना है, उसे देखना मतलब सी एंड अर्न, देखो और पैसे कमाओ। मेरे पास कितना 70 पॉइंट हो चुके हैं, बस मैं देख देख करके अर्निंग किया, और फिर अर्न विदाउट स्पेंडिंग सी एड्स एंड अर्न मींस, और यहां पर देखो इस पर क्लिक करोगे यहां पर मतलब ऐड देख करके अर्निंग करूंगा, तो ऐड देख करके वही ऐड मतलब यही हो गया कि आपको यहां पर देखना है फोटो देख करके पैसे कमाना, बस इतना याद रखो, 2 सेकंड 1 सेकंड 0 सेकंड, और यहां पर से देखो हुर्रे, यहां पर गौर से देखो इस तरह से करके आया ना। अब इस तरह से कर करके भाई आप लोग यहां पर से बहुत सारा मात्रा में पैसा कमा सकते हो, और ये एंड्रॉइड ज्ञान YouTube चैनल और ज्ञानी पिंटू चैनल का सबसे बेस्ट एप्लीकेशन होने वाला है। रीजन भाई क्योंकि हमारे YouTube चैनल की तरफ से आप लोगों को प्रोवाइड करा जाता है एक से बढ़कर एक गजब गजब के एप्लीकेशन, और इन गजब के एप्लीकेशन के साथ में बहुत सारे लूट होते हैं। ठीक है, अभी इसमें से मैं बाहर निकलता हूं और नेक्स्ट अर्निंग के ऑप्शन को बता दो। नेक्स्ट अर्निंग ऑप्शन मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर देखो शेयर एंड अर्न वाला सेक्शन था जो मैं आपको बता चुका था, शेयर करके अर्निंग कैसे करना, मतलब भाई रेफर करके अर्निंग करने वाला है और शेयर करके अर्निंग करने का सेक्शन इसमें था इसी के लिए। तो यहाँ पर आप लोग गौर से देखो इस जगह पर स्पिन टू ज्वाइन ऐसे करके इस पर क्लिक करना है, आपको देखो नॉट स्टॉप अवेलेबल इसे भी अवेलेबल है, स्कैन टू ज्वाइन जैकपॉट कूपन स्कोर ऐसे करके स्पोर्ट्स, यहाँ पर देखो ज्वाइन कॉन्टेस्ट का ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो भाई बहुत सारे इसमें आपको ज्वाइन कॉन्टेस्ट का ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर से विन कर सकते हो भाई 500 रुपये तक गिफ्ट कार्ड का। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि ज्वाइन जैकपॉट कॉन्टेस्ट फॉर 500 मिन्स, अब कम से कम आपको पास जो मेरे पास अभी 70 पॉइंट था ना उसमें आपको 500 मिन्स पॉइंट होना चाहिए तब जाकर के इसमें ज्वाइन कर पाओगे। अगर आप ज्वाइन करोगे तो भाई ज्वाइन करने के बाद में आपको 500 रुपये तक का यहाँ पर से गिफ्ट वाउचर जैसे स्विगी जोमेटो अमेजोन का गिफ्ट कार्ड और बहुत सारे कुछ आपको यहाँ पर जीत सकते हो। लेकिन अभी बात करने वाले हमारे अर्निंग के, तो अर्निंग के यहाँ पर देखो ब्रांड्स एंड लोकल स्टोर, यहाँ पर फेवरेटिज्म का ऑप्शन मिलता है कूपन अर्नड, मतलब कितना कितना कूपन यहाँ पर से अर्निंग करना चाहते हो, कौन कौन कूपन अर्निंग के सब आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें और कोई तरीका है क्या इस एप्लीकेशन में अर्निंग करने का, तो मैं आपको बताता हूँ अर्निंग करने का और क्यों तरीका, एक रैफर और एक सी एंड अर्न, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, समझे ना। यहाँ पर एक ऑर्डर ऑर्डर का सेक्शन मिलता है, अगर आप यहाँ पर से ऑर्डर ऑर्डर करना चाहते हो इसमें कोई ऑर्डर भी नहीं है, स्क्रीन टू ज्वाइन वाला भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, सी एंड अर्न वाला जो था यहाँ पर मैं देख सकूंगा सी एंड अर्न वाला सेक्शन, इस सी एंड अर्न वाला सेक्शन के बारे में आपको शुरू में ही बता चुका हूँ। उसके बाद जैकपॉट और स्क्रीन एंड अर्न वाला था, स्क्रीन एंड अर्न वाला भाई अगर आप किसी भी क्यूआर कोड को बोला जाएगा स्कैन करोगे यहाँ पर से जाकर के स्कैन करने के लिए, तो आप वहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो, कोई भी शॉप में तो शॉप में जाकर के कोई भी प्रोडक्ट को स्कैन करोगे तो। लेकिन अब हमारा जो बात आ गया भाई कि एप्लीकेशन में अर्निंग का, तो मेथड बस रेफर और ये वाला ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं, बस आपको ऐड देखने हैं और ऐड किस तरह से देखना आपको पता है भाई, इस तरह से क्लिक करना, क्लिक कर देने के बाद में टाइमर चलता है 2-1 और यहाँ पर 0 और नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा उहू, गौर से देखना इस पर भी आएगा, देखो उहू करके आ गया ना, अब यहाँ पर मेरा पॉइंट यहाँ पर से रिसीव हो चुका। ठीक है, अब आप लोग इस तरह से करके भाई ढेर सारा पॉइंट्स अर्निंग कर, जैसे मैंने मार्क मान के चलो मेरे पास भी कितना हो चुका है 100 मिनट्स पॉइंट हो चुका। ठीक, आपको 500 मिनट पॉइंट जमा करना, मतलब भाई 500 मिनट्स पॉइंट इतना ईजी जमा हो जाएगा, इतना जल्दी जमा हो जाएगा ना, मतलब 100 वीडियो बनाते बनाते मैं 100 पॉइंट जमा कर लेता, आपको 500 जमा करना क्या है, आप आराम से कर सकते हो। आप रिडीम लगाने के लिए करना क्या है, यहाँ पर क्लाइम एड स्टोर क्लाइम बैक कोड, ठीक है, तो क्लाइम बैड कोड और क्लाइम एड स्टोर स्टोर वाला सेक्शन पर क्लिक करोगे तो ये डील करने के लिए बोलेगा, जो कि अभी इसमें अवेलेबल नहीं है इस एरिया में। यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लाइम बैक कोड, तो क्लाइम बैक कोड का सेक्शन पर क्लिक करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्लाइम बैक कोड का सेक्शन पर क्लिक करोगे, इस पर क्लिक कर देने के बाद में आपका सामने थोड़ा सा घूमेगा, इसे चंदा मामा दूर के पुआ पका गुड़ के वही वाला कहानी इसमें हो जाता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर से अर्निंग कैसे करना, यहाँ पर देखो अगर आप मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हो तो एयरटेल का 209 रुपये वाला पैकेज चार्ज करते हो, 219 वाला भी वोडाफोन का कर सकते रिचार्ज, यहाँ पर 250 रुपये का अगर आप लेना चाहते हो भाई तो यहाँ पर देख सकते हो सिनेमा वाउचर आप ले सकते हो,
बुक माई शो का ऑप्शन पर क्लिक जा करके उसके बाद आप स्विगी का 250 रुपये का वाउचर लेना चाहते हो ये भी ले सकते हो, फिर 500 रुपये का फ्लिपकार्ट वाउचर लेना चाहते हो ये भी ले सकते हो। यहाँ पर देखो मतलब भाई स्टॉक में देखो ये बहुत ही कम मात्रा में रहता है, मतलब आप लोग इसे रिडीम कर लेते हैं। आप लोग गौर से देखो यहाँ पर क्या लिख रहा है, 4 लेफ्ट, 4 को बचे, इसमें देखो 5 को लेफ्ट, इसमें देखो भाई 7 को लेफ्ट बचे, इसमें 7 को बचे, लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक हो चुका, खत्म हो चुका है ठीक है। अब यहाँ पर देखो बस बचे हुए थे यही वाले, उसके नीचे देखो भाई अमेजोन का, ये देखो सभी का सभी इसे क्लाइम कर चुके, ये खत्म हो चुका है। अमेजोन का जो भी था भाई इसमें 400 पॉइंट वनली, मतलब भाई देखो एक्सपायर हो चुका है वनली फॉर 400 मिंट पॉइंट, मतलब 400 मिंट पॉइंट जमा करो 50 रुपये का अमेजोन गिफ्ट कार्ड आराम से ले लो भाई 50 रुपये। क्लाइमेट का ऑप्शन ऑप्शन पर क्लिक करोगे और 50 रुपये का गिफ्ट कार्ड यहाँ पर से ले सकते हो। अगर आपको स्विगी का लेना है तो स्विगी का भी ले सकते हो। यहाँ पर जिस चीज़ का लेना भाई, जैसे मान के चलो 209 रुपये का रिचार्ज करना है, यहाँ पर देखो 2000 रिक्वायर्ड मिंट पॉइंट में 2000 पॉइंट जमा करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट का लेना है तो भाई 5000 जमा करना पड़ेगा तब जाकर के ले पाओगे 500 रुपये का। यहाँ पर देखो 50 रुपये का था, 100 रुपये का था, इसी के लिए आपको 500 रुपये तक में यहाँ पर आपको मिल जा रहा है बहुत ही कम पॉइंट में। यहाँ पर आप लोग चेक करते हैं 100 रुपये का अमेजोन का गिफ्ट कार्ड, ये सब क्लाइम कर लिया गया है फ्लिपकार्ट वाला से बचा हुआ है। यहाँ पर देखो अमेजोन का गिफ्ट कार्ड 100 रुपये का और यहाँ पर बहुत तरह तरह आपको ऑप्शन मिलते हैं, बस आप लोगों को सबसे पहले करके क्लाइम करने की कोशिश करना पड़ेगा। मतलब भाई समझ रहे मेरे बात को, अगर नहीं समझ रहे भाई अच्छे तरीके से वीडियो को देखो, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको ये जो कॉइन है ना क्लाइम कर लिया, देखो यहाँ पर इस जगह पर क्लाइम दिखा रहा है, इस जगह पर आपको देखो क्लाइम दिखा रहा है, इस जगह पर क्लाइम दिखा रहा है। अगर आपको नहीं दिख रहा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे तरीके समझ में आएगा। यहाँ पर देखो गौर से इस जगह पर क्या लिख रहा है क्लाइम, मतलब क्लाइम मतलब खत्म हो चुका है, ऑटो पर स्टॉक हो गया है। अभी थोड़ा देर के बाद फिर से 24 घंटे के बाद एड कर देगा, देखो इसमें 3 बचा हुआ है, इसमें 2 बचे हुए, इस तरह से कर आप लोग यहाँ पर गौर से देख सकते हैं किस तरह से करके मतलब अर्निंग करना है। मतलब समझ चुका बात को, मैं जब तक समझाना चाहता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे ठीक है। अब यहाँ देखो अमेजोन गिफ्ट कार्ड सब कुछ मिलता है। अब भाई एक बात बताता हूँ, रिडीम कोड का बात करें तो आप रिडीम कोड तो लेने के लिए आपको अमेजोन की तरफ से लेना ही आता ही होगा, अमेजोन से रिडीम कोड ले सकते हो, कितना ज्यादा इजी एप्लीकेशन है ठीक है। आप अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता आप लोग मेरे पिछले वीडियो को जाकर देख लेना, अमेजोन में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो चलो आज का जो वीडियो है इतनी पर खत्म करते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम तो कमेंट कर देना, नहीं तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नए हो तो भाई कमेंट करके बता देना आप चैनल पर नए आए हो ठीक है। चलो आज की वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नए वीडियो तक, बाय बाय, जय हिंद।